अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 3 करने लगे हैं। लास्ट मैंने आप लोग को पेज नंबर 5 तक इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, कि किस तरह के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं दुनिया में, वो वाला सारा पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम आगे वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का। वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन, दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, और ये 5 ग्रुप्स होते हैं इनके। सबसे पहला ग्रुप है फिश। फिश को सबसे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वर्टिब्रेट जो फाइंड हुआ था, जो पता चला था, वो फिश ही थे। फिश आर वर्टिब्रेट द लिव इन वाटर, ऑल फिश ब्रीद थ्रू गिल्स। फिश के पास गिल्स होते हैं, मोस्ट फिश हैव स्किन कवर्ड विद स्केल्स। फिश की स्किन के ऊपर स्केल्स भी होते हैं। नियरली ऑल फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम। फिन्स होते हैं छोटे छोटे से बाजू, आप उन्हें कह सकते हैं, जिनके वजह से वो स्विम करते हैं। यंग फिश हैच फ्रॉम सॉफ्ट एग्स कॉल्ड स्पॉन। जो फिश के एग्स होते हैं उन्हें स्पॉन कहा जाता है, जिससे नए फिश के छोटे छोटे से बेबीज निकलते हैं। आगे आ जाते हैं एम्फीबियंस। एन एम्फीबियन इज़ अ वर्टिब्रेट दैट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। ये अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ज़मीन पे गुजारते हैं, कुछ हिस्सा पानी के अंदर गुजारते हैं। व्हेन एम्फीबियंस आर यंग दे लिव इन द वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स लाइक फिश। जब एम्फीबियंस बहुत छोटे होते हैं तो ये पानी के अंदर रहते हैं और इनके पास गिल्स होते हैं और ये पानी में ही सांस लेते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जब बड़े होते हैं, दे डेवलप लंग्स टू सर्वाइव ऑन लैंड। और ज़मीन में तो ज़मीन के ऊपर तो गिल्स नहीं होते ना, ज़मीन के ऊपर लंग्स होते हैं। जितने भी एनिमल ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनमें लंग्स होते हैं, तो जब इन्होंने लैंड के ऊपर आना होता है, ज़मीन पर आना होता है, तो ये लंग्स बना लेते हैं अपने अंदर। मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन, इनकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, इनकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं होता। बट सम सोर्ड्स टोर्ड्स आर कवर्ड विद वार्ट्स, मगर कुछ टोड्स होते हैं जो फ्रॉग के बड़े भाई कह लें आप, फ्रॉग की तरह के होते हैं मगर थोड़े साइज में बड़े होते हैं, तो वो रफ सी स्किन होती है उनकी। अ थिक स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रोटेक्ट द स्किन एंड कीप इट मोइस्ट। एक थिक सी लेयर, शाइनी सी लेयर इनके ऊपर होती है जिसे म्यूकस कहते हैं, जिसकी वजह से ये गीले रहते हैं पूरा टाइम। एम्फीबियन एग्स आर कॉल्ड स्पॉन, एम्फीबियन के एग को भी स्पॉन कहते हैं। दे आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव नो शेल, और वो सॉफ्ट होते हैं। देखें आप, चिकन का जो अंडा है, जो मुर्गी का अंडा होता है, वो हार्ड होता है, उसके गिर्द शेल होता है, तो इनका अंडा हार्ड नहीं होता, इनका अंडा बिल्कुल नरम। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स उनको कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर शुरू से बहुत पुराने एनिमल्स हैं। लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल एंड टॉर्टाइज आर ऑल रेप्टाइल्स। दे हैव ड्राई स्केली स्किन एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं इसलिए इनके पास लंग्स होते हैं। दे ले एग्ज ऑन लैंड, और ये अंडे भी ज़मीन पर ही देते हैं। द एग्ज ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स, इनके शेल जो चिकन का अंडा है जो हमारे घर होता है वाइट कलर का, उससे भी ज़्यादा मोटा होता है। वाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड एग्स, और कुछ के होते हैं बर्ड के एग्स की तरह ही, कुछ के बहुत मोटे होते हैं अंडे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई। बर्ड्स वो वाले जानवर होते हैं जिनके पास पर होते हैं, तमाम परिंदों के पास पर होते हैं मगर कुछ सिर्फ उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते। अ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर एनिमल, उड़ता हुआ परिंदा किसी भी दूसरे जानवर से जल्दी ट्रेवल करता है। बर्ड्स ब्रीद थ्रू लंग्स, बर्ड्स के पास भी लंग्स होते हैं। दे हैच फ्रॉम एग्स, और ये अंडों में से निकलते हैं। यूजुअली द फीमेल लेज हर एग्स इन अ नेस्ट, और जो फीमेल होती है वो घोंसले में अंडे देती है। द पेरेंट बर्ड्स फीड, जो पेरेंट्स होते हैं वो फीड करते हैं, वो खाना ला के देते हैं। एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स, और छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक वो खुद बड़े नहीं हो जाते। नेक्स्ट आर मैमल्स। कैट्स, डॉग्स, गोट्स, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ये जितने भी ऊपर बताए हैं ये सारे मैमल्स हैं। मैमल्स की स्किन के ऊपर हल्के हल्के से बाल होते हैं, ज़्यादा फर वाले बाल नहीं होते हैं, ये उनकी एक निशानी होती है। यू आर ऑल्सो अ मैमल, ह्यूमन्स भी मैमल्स होते हैं। मोस्ट ह्यूमन्स आर कवर्ड विद फर हेयर, सॉरी मोस्ट मैमल्स आर कवर्ड विद फर हेयर और bristles, they breathe air through lungs. Female mammals give birth to babies and feed them on milk produced in special body cells. Prehistoric vertebrates, many of the animals that lived millions of years ago looked very different from the animals that live in our world today. जो आज हमारी दुनिया में animals हैं उनसे पहले, जो million years पहले animal थे वो बहुत different नज़र आते थे। आज के animals बहुत ज़्यादा different हैं, तो ये history की वजह से changes आए हैं, time की वजह से आए हैं।
एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन ऐसी चीज़ को कहते हैं कि ऐसे जानवर जो अब दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने सुना हुआ है उनके बारे में, उन्हें तस्वीरों में देखा हुआ है, मगर अब वो दुनिया में नहीं है, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं. 65 million ईयर्स अगो द जायंट रेप्टाइल्स डाइड आउट और बिकम एक्सटिंक्ट. बहुत बड़े जो रेप्टाइल्स थे वो ख़त्म हो गए थे दुनिया से, एक्सटिंक्ट हो गए थे. मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस अराउंड दिस टाइम. 65 million ईयर्स अगो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, जिसकी वजह से वो मर गए. क्योंकि रेप्टाइल्स के ऊपर कोई भी फर नहीं होती, फीडर्स नहीं होते, तो और ना ही वो हाइबरनेट कर सकते हैं. हाइबरनेट कहते हैं कि विंटर पूरे में सो जाना, तो वो विंटर के अंदर फिर डेड हो गए. साइंटिस्ट नो व्हाट दे लुक लाइक बाय एग्जामिनिंग फॉसिल्स, मगर उनकी जो हड्डियाँ स्केलेटन्स मिले हैं वो उनको देख देख के साइंटिस्ट को पता है कि वो अब किस तरह के नज़र आते हैं, और हमें पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो है डायनासोर्स. आप सब गूगल करें और डायनासोर्स की पिक्चर्स देखें. डायनासोर्स बहुत ज़्यादा तरह के थे, बहुत छोटे भी थे, बहुत बड़े भी थे, तो आप सबको पता चलेगा कि क्या रीज़न्स थी और क्यों वो डेड हो गए. आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है यूनिट नंबर 1. इसको बहुत 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 अच्छी तरह से याद करिए और इसको अपनी वर्कबुक और अपने समर पैक में सॉल्व करिए.